हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, ये है मेरे पास में TVS जुपिटर BS6 का मॉडल है। इसका भरने वाला हूँ मैं सॉकर फ्रंट वाला। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके सॉकर को किस प्रकार भरना है, जो हमारा स्मूथली चले कंपनी के जैसा। तो इसका सभी सामान है, ये सॉकर की सील है, ओरिजिनल नहीं, 53 रुपये की ये आती है। इसमें क्या करना है आपको, साफ़ सफाई करने के बाद, पूरा क्लीन करने के बाद इस सील को इस साइड से लगाना है आपको, ना कि इस साइड से। ये हिस्सा बाहर होना चाहिए ऐसे। इस प्रकार आपको हथौड़ी की मदद से इसको ठोकना है पहले, और इसके ऊपर फिर पुरानी सील लगा के तब पूरा बैठाना है। लॉक की जगह तक आ जाना चाहिए, यानी लॉक हमारा आराम से लग जाना चाहिए। इसके ऊपर एक लॉक होता है, वो भी दिखाने वाला हूँ मैं। इस प्रकार आप इसको हैमर की मदद से ठोक सकते हो। फिर इसको ऊपर वाली सील को, आप पुराने वाली को यानी निकालने के बाद, आप इसमें लॉक लगाइएगा। फिर ये वाला लॉक किसी भी साइड से लगा लीजिए इसको पेचकस की मदद से। अब ये हमारा लग गया है। उसके बाद दोस्तों, सॉकर की रोड को साफ़ करना है। साफ़ सफाई का इसमें सॉकर वाले काम में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ये हमारा पंप होता है, प्रेशर बनाने का काम करता है। इसमें स्प्रिंग होता है ताकि हमारा सॉकर टकराए ना नीचे। इस स्प्रिंग को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो ज़रूरत के अनुसार, वो अगली वीडियो में कभी बताऊँगा मैं। ये प्लास्टिक का एक रिंग लगा हुआ होता है इसमें प्रेशर के लिए। ऐसे इसको डालना है और कूलर की मदद से इसको बाहर निकाल लेना है दूसरी साइड में। दूसरी साइड में यहाँ पे इस प्रकार इसको बाहर निकालना है, और फिर इसमें एक डावल्स लगती है, यहाँ पे एक भोकली होती है, डावल्स भी बोल देते हैं उसको, भोकली भी बोल देते हैं, ये वाली, ये लगानी है इस तरीके से। और उसके बाद अपनी बॉटम लगानी है इसमें। फिर ये बोल्ट होता है 6 नंबर के एलकी वाला, इसमें पीतल की वाशर होती है। इसको लगाने के बाद 6 नंबर की एलंकी से इसको टाइट करना है। किसी पन्ने वगैरह की मदद से आप इसको टाइट कर सकते हो। इस तरीके से इसको टाइट करना है आपने। और फिर इसको चला के देखना है कहीं अटक तो नहीं रहा है, सही भी चल रहा है कि नहीं। फिर आपको इसमें ऑयल डालना है, हाइड्रोलिक ऑयल होता है ये, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा मोटे वाला ऑयल मिक्स किया हुआ है। उससे क्या है, हमारा प्रेशर सही बन जाता है। कभी कभी जो लोकल ऑयल आते हैं, इनसे प्रेशर सही नहीं बनता है। अब ये रखना कहाँ तक है, यहाँ तक आपको रखना है इसमें ऑयल, रोड को डाउन करके, यानी बॉटम में नीचे बैठा के रोड को यहाँ तक रखना है। उसके बाद आप इसको चेक करें चला करके, प्रेशर भी बना रहा है कि नहीं। बांधने से पहले ही ये चीज़ चेक करनी है आपको। जब आप चेक करोगे तो पता लग जाएगा किस तरीके से प्रेशर बनना है। उसके बाद स्प्रिंग लगाना है इसमें, जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहे। फिर ये बोल्ट लगाना है, ये अपाचे के सॉकर का है, इसके सॉकर का नहीं है, इसका गुम हो गया था कहीं। अपाचे वाले सॉकर का मैं लगा रहा हूँ ये। इस तरीके से फिर इसको टाइट करना है आपको। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, फिर बाद में आपके याद नहीं रहता है। इस प्रकार इसको टाइट करना है, एलंकी की मदद से इसको टाइट करना है। मैंने ये औजार बनाया हुआ है इसका, आप भी बना सकते हो 14 नंबर का नट या बोल्ट से। और दोस्तों, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही टेक्निकल वीडियो हम रोज़ाना लाते रहते हैं BS6 BS4 की।
काफ़ी कुछ हमारे चैनल पे आपको सीखने को मिलेगा। बाकी इसको मैं शॉकर को बांधने के बाद टाइट करूँगा। मैं चला के देखता हूँ, प्रेशर चेक करना है कि सही बना है कि नहीं। तो यानी इसका प्रेशर बिल्कुल सही बना है। अब मैं इसकी कैप लगाऊंगा, ये कैप लगानी है आपको, और हथौड़ी से इस तरीके से इसको ठोकना है कि हमारी रोड पे भी निशान ना आए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसे साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसको टाइट करूँगा मैं हैंडल टी में बांध के। और थैंक यू दोस्तों।